आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटा और कुरकुरा नाश्ता, जिसे सब लोग काफ़ी पसंद करेंगे और बहुत ही प्यार से खाएंगे। तो इसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने एक गाजर ले लिया है और एक छिला हुआ आलू ले लिया है। अब हम इन दोनों को कद्दूकस कर लेंगे। दोस्तों, ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इसके लिए वीडियो को आप पूरा देखिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो कद्दूकस किए हुए गाजर और आलू को मैंने पानी में डाल दिया है। अब हम इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। इसके बाद इसे निचोड़ लेंगे अपने हाथों से और इसका सारा पानी जो है हमें निकाल लेना है। अब हमें इसे साइड में रख देना है। इसके बाद मैंने एक बाउल में 1.5 कप के करीब सूजी डाला है, 1 कप दही डाला है और इसी कटोरी से हम इसमें 1.5 कटोरी पानी डाल देंगे। हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। आप चाहें तो इसे शाम के चाय के साथ खाने के लिए बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाता है बिना झंझट का ये नाश्ता। बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं बनाकर। जब मन करे तब आप बनाकर खा सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। तो सूजी फूल चुका है, तो इसे थोड़ा सा हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही गाढ़ा हो गया है पहले से। तो अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है 1/2 चम्मच, कटी हुई हरी मिर्च डाला है, 1 चौप क्योहा प्याज डालेंगे, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 चम्मच जीरा डाला है। गाजर और प्याज को जो कद्दूकस करके रखा था उसे भी इसमें हम डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हमें सारे सब्जियों को अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों, आपको जो भी सब्जी पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। इसे मिलाने के बाद मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम मिला लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। आप चाहें तो इसमें इनो भी डाल सकते हैं। इसे हम मिला लेंगे। इसके बाद मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है, तो मीडियम हीट पे हमें इसे तलना है। तो 2-2 चम्मच के करीब हम इसे इस तरह से टिक्की का शेप देते हुए हम तेल में डालेंगे और इसे हम अच्छे से सुनहरा होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, आप इस नाश्ते को चटनी के साथ खा सकते हैं, शाम के चाय के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और आप चाहें तो कभी भी इसे बनाकर खा सकते हैं। तो हमें इसे उलटते पलटते हुए इस तरह से हमें सुनहरा होने तक पका लेना है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ये। तो ये नाश्ता बनकर तैयार है। तो हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से। और जितना भी जो था मैंने सारे नाश्ते को इस तरह से फ्राई कर लिया है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो इस तरह से हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।